बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इंडिया स्टेट्स मार्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। हाँ दोस्तों, हमने जनरल नॉलेज का सिलसिला शुरू किया हुआ है और आज का हमारा टॉपिक है अर्थ एटमोसफेयर, पार्ट नंबर 17 अपलोड करते हैं आज। इससे पहले जितने भी पार्ट्स हो चुके हैं उन तमाम के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैं। आज शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये अर्थ एटमॉस्फेयर और आज के क्वेश्चन 336 से लेकर 379 तक हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन देखिए। क्वेश्चन नंबर वन, अ बॉर्डर लाइन विच सेपरेट्स आउटर स्पेस एंड अर्थ एटमॉस्फेयर इज नोन एज। बॉर्डर लाइन which separates outer space and Earth's atmosphere is known as what? Kármán line. Option D is the correct option. Question number 2 देखे। Question number 2 है, height of mesosphere which lies after the troposphere is, height of the mesosphere which lies after the troposphere is what? 80 to 85 kilometer. Option C है। और क्वेश्चन नंबर 3 देखे, second highest layer of Earth's atmosphere is, that is stratosphere. Option A the correct option. और क्वेश्चन नंबर 4 देखे, चार नंबर क्वेश्चन, introduction of chemicals into the atmosphere is known as, that is known as air pollution. Introduction of chemical into the atmosphere is known, इसको अच्छी तरह याद रखें, air pollution कहते हैं उसको। पांच नंबर क्वेश्चन देखे, troposphere layer of atmosphere extends from earth to what? 12 किलोमीटर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 6, थर्मोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ आयोनोस्फीयर। ऑप्शन बी है। 7 नंबर क्वेश्चन देखे, 7 नंबर, a movement of air through the troposphere of atmosphere on a large scale is known as atmospheric circulation. Option D is the correct option. Aur question number 8 dekhiye, 8 number, atmospheric density decreases with the, it decreases with the increase इन ऑल्टीट्यूड। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, अहम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखे, 9 नंबर, ट्रोपोस्फियर इज बाउंडेड बाय द बाउंड्री विच इज नोन एज ट्रोपोपॉज। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। और 10 नंबर क्वेश्चन को देखे, अ लेयर ऑफ atmosphere which separates the stratosphere and the troposphere is known as, it is known as tropopause. Option A. Question number 11 dekhe, 11 number question ko, our relationship between altitude and atmospheric density is, that is inversely proportional. ऑप्शन बी है। और क्वेश्चन नंबर 12, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर प्राइमरली यूज्ड एज, दे आर यूज्ड एज रिफ्रिजरेंट्स। ऑप्शन ए। एंड क्वेश्चन नंबर 13 देखे, 13 नंबर, ओजोन लेयर इज पार्ट ऑफ लेयर ऑफ व्हाट, इट इज पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर।
ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अहम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 देखें। इफ द मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब्स द अवेलेबल प्रोटॉन इट रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, 15 नंबर क्वेश्चन को। अ लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर व्हिच इज एक्सिस्ट बाय जेट पावर्ड एयरक्राफ्ट इज, दैट इज स्ट्रेटा पास। ऑप्शन बी। और 16 नंबर क्वेश्चन को देखें। गैस व्हिच इज नॉट पार्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इज, दैट इज ऑक्सीजन। ऑप्शन डी। और क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 17 नंबर। रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज व्हाट, दैट इज ग्रेटर देन 1। ऑप्शन सी है। 18 नंबर क्वेश्चन कहते हैं, अ स्टडी ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर एंड द प्रोसेस अकरिंग इन द एटमॉस्फेयर इज नोन एज व्हाट, ए क्रोलॉजी। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 19 नंबर। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज एक्सोस्फीयर। ऑप्शन बी है। और क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 20 नंबर। सेकंड लोवेस्ट लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज स्ट्रेटोस्फीयर। ऑप्शन बी है। 21 नंबर क्वेश्चन देखें। नेम ऑफ द हाईएस्ट क्लाउड्स इन द एटमॉस्फेयर दैट कैन बी सीन विद द नेकेड आईज इज, दैट इज ऑप्शन डी नाक्लिचुलिन क्लाउड्स। और क्वेश्चन नंबर 22 देखें, 22 नंबर। लेयर मेसियोस्फीयर इज यूज्ड बाय, इट इज यूज्ड बाय साउंडिंग रॉकेट्स। ऑप्शन ए है। 23 नंबर क्वेश्चन देखे, हाइट ऑफ एक्सोस्फीयर इज, हाइट ऑफ एक्सोस्फीयर इज 700 से 10,000 किलोमीटर। ऑप्शन डी है। और 24 नंबर क्वेश्चन, हाइट ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर लेयर अबाउट द सी लेवल फ्रॉम द एंड ऑफ ट्रोटोस्फीयर टू द स्टार्ट ऑफ मीसियोस्फीयर इज 50 to 55 किलोमीटर। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25 देखे, 25 नंबर। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ इज, दैट इज 20.94%। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 26 देखे, 26 नंबर क्वेश्चन को। आ रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर विच ऑक्यूपाइज द एरिया बिलो द थर्मोस्फीयर एंड अबव द स्ट्रेटोस्फीयर इज क्लासिफाइड एज, इट इज क्लासिफाइड एज मेसियोस्फीयर। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27 देखे, 27 नंबर। सेकेंड मोस्ट अबंडेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ ड्राई एयर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम आफ्टर नाइट्रोजन इज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज ऑक्सीजन। ऑप्शन बी है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, 28। इफ द लाइट डजेंट रिएक्ट विद द एटमोस्फियर देन इट इज क्लासिफाइड एज, देन इट इज क्लासिफाइड एज डायरेक्ट रेडिएशन। ऑप्शन ए। 29 नंबर क्वेश्चन को देखिए, अ लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर विच इज एक्सेस्ड बाय रॉकेट इज, दैट इज मेसियोस्फीयर। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन को। टाइप ऑफ लाइटिंग व्हेन द सन इज 4 to 16 डिग्रीज बिलो द होरिजन इन मेसियोस्फीयर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज क्लासिफाइड एज बोथ ए एंड बी, एन बी बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31 देखे, आयोनोस्फीयर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज पार्ट ऑफ द थर्मोस्फीयर। ऑप्शन ए।
और 32 नंबर क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, 32 नंबर थर्ड लार्जेस्ट लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज मीसियोस्फीयर, ऑप्शन सी है। और 33 नंबर 33 नंबर क्वेश्चन को देखिए, लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर विच इज यूज बाय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज नोन एज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थर्मोस्फीयर, ऑप्शन बी। 34 नंबर क्वेश्चन को देखिए, लोवेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इज नोन एज, इट इज नोन एज ट्रोपोस्फीयर, ऑप्शन ए है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, 35, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर रिप्लेसिंग विद लेस हार्मफुल कंपाउंड सच एज, ऑप्शन सी, पढ़ लो इसको। और क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ बिकम थिनर एंड थिनर विद द व्हाट, इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, ऑप्शन ए, ये भी आम क्वेश्चन है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाइट ऑफ थर्मोस्फीयर इज 80 to 700 किलोमीटर, ऑप्शन सी। 38 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 38 नंबर, एनर्जी डेट अर्थ रिसीव्स फ्रॉम द सन इज नोन एज, इट इज नोन एज सोलर रेडिएशन, ऑप्शन डी है। 39 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 39, मोस्ट अबंडेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ ड्राई एयर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज नाइट्रोजन, ऑप्शन सी करेक्ट है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ इज व्हाट, दैट इज 78.08%, ऑप्शन सी। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन द अपर एटमॉस्फेयर द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन कॉजेज द डिप्लीशन ऑफ व्हाट, ऑफ ओजोन लेयर, ये क्वेश्चन तो काफी रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, 42 नंबर, नॉन हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल फिनोमिना सच एज ऑरोरास अकर इन द एटमॉस्फेयर लेयर नोन एज, इट इज नोन एज थर्मोस्फीयर, ऑप्शन ए। और क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, 43, टॉप एरिया ऑफ थर्ड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर मेसियोस्फीयर इज नोन एज, इट इज नोन एज मेसियोपास, ऑप्शन ए। और आखिरी क्वेश्चन देखिए आज के वीडियो का, 44 नंबर, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन कॉन्टेन्स वोलेटाइल डिराइवेटिव ऑफ इथीन, मेथीन एंड प्रोपेन, विच आर व्हाट, विच आर ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। तो ये तो दोस्तों आज की वीडियो, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।